आपके पास डीएल है क्या? आप डीएल बनवा लो, एक आध बार आपसे और कहा था डीएल बनवा लो। जिस दिन डीएल आप दोगे उसी दिन पतिराम राजभर से आपको मोटरसाइकिल दिलवा दूंगा, ठीक है। और हमारे जो एक नेता हमारे थे विधानसभा अध्यक्ष पार्टी वाले, आपसे भी कहूंगा आप अपना डीएल हमको उपलब्ध करा दो और पतिराम जी से मोटरसाइकिल लेके चले जाओ। तब वो बन जाए 25 साल वाला। अरे दुबार से सब बन जाता हूँ बढ़िया कम बता दो 25 साल वाली नहीं ये सब पूरा दुबार में चला था। तब बिना तेल वाली गाड़ी ले लो, क्या दिक्कत है? बिना तेल वाली गाड़ी दे दे। अब आपके ऊपर है, जैसा विचार कर लो ना, तेल वाली चाहिए कि बिना तेल वाली। हाँ तो तेल वाली बजे डीएल चाहिए भाई, ठीक है। जो भी हमारी पार्टी के पदाधिकारी जो साधन विहीन है, अपने को कमजोर समझ रहे हैं, आप ये मत समझो। अब तो हम लोगों के पास ऐसे ऐसे साथी हैं कि मैं एक साथी से कहा कि मुझे गाड़ी दे दो, कहा गाड़ी तो बड़ी महंगी है, हमसे कहा महंगा है मेरे, अरे कहा एक एक गाड़ी का दाम 40-50 हमके मरते 90,000 वाली गाड़ी में, तो कहा कहीं तो तुझे दे ही दे। वो समझ कर के 90,000 जब बताए तो समझ लो कि 2 चक्का वाला, और पहले तो सोचा था कि 4 चक्का वाला, तो 2 चक्का हम समझा के मांग के हम गाड़ी दे देंगे, गाड़ी की दिक्कत नहीं है। तो गाड़ी डीएल ले आओ और गाड़ी ले जाओ और पार्टी का काम करो, ठीक है। और हम अपने साथियों से, जिन साथियों को गाड़ी पार्टी की मिली है, उन साथियों से कहूंगा, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन आज कलकत्ता बैठक में कह रहा हूं कि जिस तरह डेली आप नहाते हो, अपने ड्राइवर से कहकर के गाड़ी को भी सुबह नहवा दिया करो, थोड़ा साफ सफाई रहेगी तो दूसरा कोई देखेगा तो कहेगा कि भाई नेता अच्छा है, ड्राइवर भी अच्छा है। अगर पता लगा हिंदा आपके कुर्ता में लगा हो पैजामा को कैसा, देखने वाले भी कहते कैसा नेता। इस नाते साथी ये हमारे सभी कह रहे हो कि खड़ा हो जाइए भाई, राष्ट्रीय संकर मंत्री जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। हमारे डॉक्टर संतोष पांडे भी हैं, राष्ट्रीय महासचिव जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी महेंद्र राजभर जी हैं, और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर बलिदास जी, और हमारे राष्ट्रीय महिला मंच की दो नेता उधर खड़ा हो जाइए भाई जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। आप राष्ट्रीय पदाधिकारी जब रूप में विनोद राजभर